मदिरा व्यापारियों ने राज्य सरकार को दी चेतावनी, मांगी थी मानी तो दुकानें करेंगे बंद, सही मार्जिन न मिलने की वजह से व्यापार में हो रही है हानि। आज अजमेर की देसी व अंग्रेजी मदिरा व्यापारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिनमें उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से व्यापारियों द्वारा कुछ मांगे की जा रही है। पहली मांग है कि शराब की बिक्री पर जो 22% मार्जिन मिलता था, अब वह घटकर केवल 10-11% हो चुका है। दूसरी मांग, पुलिस का दखल देना। इनका कहना है कि आबकारी विभाग की पुलिस अलग होती है, अगर वह कोई कार्रवाई करे तो उचित कार्रवाई मानी जाती है। इनका यह भी कहना है कि सरकार द्वारा आए दिन शराब की रेट बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से ग्राहक भी परेशान होते हैं। इनका यह भी कहना है कि कल जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, इस मामले पर जल्दी मांगे नहीं मानी गई तो हम दुकानें बंद करके बैठ जाएंगे, जिसकी राज्य हानि सरकार को उठानी पड़ेगी। मैं राजस्थान सरकार व आबकारी विभाग के द्वारा देसी व अंग्रेजी शराब के जो अनुगाधारी हैं उनको अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहे हैं, उस समस्या को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जो समस्या है मैं आपको अवगत करा दूं। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारा वित्तीय वर्ष जब प्रारंभ होता है अप्रैल में, तब जो पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी में हमारा मुनाफा जो है 20-22% निश्चित था, जो घटकर आज 10-12% हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने इस अपना कुर्सी संभालते ही और MRP में इसकी बिक्री दरों में 5 बार बढ़ोतरी की है। ये 5 बार बढ़ोतरी करने से हमारी बिक्री पर असर पड़ता है और हम राजस्व अर्जित नहीं कर पाते, उसका सीधा सीधा नुकसान लाइसेंसी और सरकार को है। अगला बिंदु जो है, प्रतिवर्ष बिना वास्तविक बिक्री किसी दुकान की जाने और बिना जानकारी के ही हर दुकान की गारंटी 10-15% बढ़ा दी जाती है, जो पूर्णतः गलत है। उसकी वास्तविक बिक्री को देखा जाए और उस बिक्री के अनुरूप ही ये बढ़ाया जाए। सबसे अहम बात कि अनावश्यक पुलिस का इंटरफेयर, जबकि आबकारी विभाग की हमारी अपनी पुलिस है, उसके तहत पुलिस कार्रवाई करे और अनावश्यक इंटरफेयर बंद करें, प्लस इसको कड़ाई से पालना कराएं। जवाबदारी तय हो कि जिस सर्किल, जिस जो अधिकारी वहां अपनी ड्यूटी दे रहा है, उस अधिकारी के सर्किल में अगर कोई अवैध पाया जाता है, दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया जाए, तब अवैध की रोकथाम सही मायने में हो पाएगी। हमारा आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में हम माननीय जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे कि हमारी इन समस्याओं का 3 दिन में निदान किया जाए। 3 दिन में निदान नहीं करने की स्थिति में हम सर्वप्रथम तो जो हमारा देसी वे अंग्रेजी के गोदाम है, जहाँ से जिले में माल उठाते हैं, वो माल उठान बंद करेंगे। अगर उसमें कोई राजस्व हानि होती है, उसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे विभाग की होगी, आबकारी विभाग और सरकार की होगी। पहला, अगर फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम समस्त जिले के ठेकेदार जो यहाँ सम्मिलित हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, अपनी समस्त चाबियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और फिर भी नहीं माने जाने पर हम हमारी दुकानें पूर्णतः बंद रखेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। हेम सिंह टाक,